कासिफ खान नाम के शख्स को क्यों नहीं एनसीबी ने गिरफ्तार किया। उसने शिप पर इस पार्टी का आयोजन किया था, क्रूज की पार्टी का आयोजनकर्ताओं में से एक था। बहुत तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता उज्जवल निगम साहब जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल निगम साहब। एक बड़ा सवाल यही है कि जो पार्टी क्रूज पे आयोजित की गई, उसका एक आयोजनकर्ता जिसका नाम नवाब मलिक ने अभी लिया कासिफ खान, उसको एनसीबी ने छोड़ दिया। आमतौर पर जो आयोजनकर्ता है पार्टी का, अगर उस पार्टी में कुछ इल्लीगल हुआ है तो आयोजनकर्ता की भी जिम्मेदारी होती है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ। देखिए, जिस तरह से मंत्री साहब ने आरोप लगाए हैं, मैं नहीं मानता कि वो बेबुनियाद आरोप हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत भी है। अगर ये बात सच है तो जिसने पार्टी ये अरेंज की है, क्या उसको एनसीबी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था कि नहीं बुलाया था, इंट्रोगेट किया कि नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, जिसने ये पूरी पार्टी आयोजित की थी, क्या उसके ये नॉलेज में था कि इसमें ड्रग्स लेने वाले हैं या सप्लाई करने वाले हैं, क्या उनकी इसकी जानकारी थी? नंबर थ्री, किस आधार पर जो ऑर्गेनाइजर था उसने ये सभी लोगों को कौन से कारण देके बुलाया था? इसकी छानबीन ब्यूरो ने उस वक्त की क्या बाद में की, इसे हमें पता नहीं। लेकिन ये बड़ा एक संगीन आरोप मंत्री महोदय ने किया है। मुझे लगता है कि ब्यूरो ने भी इसकी छानबीन करना जरूरी था। जी उज्जवल सर, जांच अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप नवाब मलिक भी लगा रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत भी हैं। इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार सवाल जो उनके समर्थन में लोग हैं समीर वानखेड़े के, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि कोई अच्छा काम कोई करने जाता है तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये पूरे मामले में मामला छोड़ के सभी लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जांच अधिकारी आरोप कर रहा है, मंत्री महोदय आरोप कर रहे हैं, और जिस प्रकार दोनों तरफ से ये जो बयानबाजी हो रही है, उससे मुझे लगता है कि लीगल बैटल कम हो गई है, पॉलिटिकल बैटल ज्यादा बढ़ती रही है। इसमें जो सावधानी बरतनी चाहिए थे वो बरती नहीं गई है, ये भी बात साफ है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाए होंगे जांच अधिकारी पर, जांच अधिकारी उसका जवाब दे सकता है। लेकिन जो बड़ा गुनाह चल रहा है, उस गुनाह के बारे में अगर कुछ जांच होती है तो इस तरह से पब्लिकली आरोप करना कहां तक ठीक है, यह सवाल हर कोई पूछ सकता है। अगर किसी को जांच के बारे में कोई शंका है, डाउट है, तो जरूर वो आरोप करता है, और आरोप के वेंटिलेट के ग्रीवेंस अपना वेंटिलेट करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। लेकिन इसमें मुझे दिख रहा है कि जांच अधिकारी ने भी ये जो पूरा मामला है वो पर्सनल लेवल पे लेके चले गए। उन्होंने भी कई ऐसे आरोप किए, आरोपी की जमानत रिजेक्ट होने के बाद खुद की पर्सनल विक्ट्री करके सोशल मीडिया पे सत्यमेव जयते कहता है। मुझे लगता है कि पर्सनली कोई मैटर से, गुनाह से आइडेंटिफाइड होना किसी जांच अधिकारी को शोभा नहीं देता, ये भी देखना चाहिए। उज्जवल निगम साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि जो नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाए उसमें कुछ चीज़ों का पालन नहीं हुआ, मिसयूज़ किया उन्होंने अपनी पोजीशन का, जो पूरी जांच थी उसको डिरेल करने की कोशिश की, क्योंकि उनके दामाद को भी इसी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैटर अभी यहां नहीं रुकने वाला। इसे कोर्ट में दोनों तरफ से कोई ना कोई जा सकता है, दोनों तरफ से कोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट का आदेश देना होगा, देना पड़ेगा। और मुझे लगा कि इसकी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कोर्ट ही इस पे कोई आदेश दे सकती है। सर, चूंकि ये पूरा मामला अभी भी, जो क्रूज ड्रग्स केस का मामला है, अभी भी जांच के दायरे में ही है, इस बीच जांच अधिकारी पर कई तरह के संगीन आरोप लग गए, जिस पर विजिलेंस टीम भी अब जांच कर रही है अधिकारी के ऊपर, इन सब के बीच आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। अब ये मामला आगे आपको कहां जाते हुए दिखाई दे रहा है?
देखिए ब्यूरो का तो ये आरोप है कि एक इसमें साजिश, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है और साजिश के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट एक बेसिस माना है और उसके लिए उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की इनके लिए जरूरत है। जमानत मिलना नहीं मिलना ये कानूनी प्रक्रिया तो होती है, लेकिन व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो ब्यूरो ने आरोप लगाया वो बहुत संगीन आरोप है और ब्यूरो ने कहां तक इसका चेन जुड़ी है, क्योंकि साजिश का जब आरोप लगता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का फर्ज बनता है कि उसको डायरेक्ट एविडेंस तो मिलता नहीं, लेकिन सरकमस्टेंशियल एविडेंस से ऐसा इररेजिस्टेबल इन्फ्रेंस आता है क्या, ये भी ब्यूरो को देखना होगा। ब्यूरो क्या करता है चार्जशीट में ही पता चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये मैटर उछल रहा है ये कुछ शोभादायक नहीं, इतना ही बात नहीं कहूँगा। जी उज्ज्वल निकम साहब, आपको नहीं लगता कि इस जांच के दौरान जो सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे एनसीबी को वो कहीं इकट्ठे करने में कमजोरी रही? जैसे व्हाट्सएप चैट का तो हवाला दिया, लेकिन आर्यन खान का मोबाइल जब्त होना चाहिए था, वो मोबाइल जब्त नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जांच जो है वो पूरी जो जांच के नियम है उनका पूरी तरह से पालन करते हुए नहीं की गई। देखिए मैं उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कमेंट अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैटर सब जुडिस है। दूसरी बात तो यह है कि ये बात जरूर है कि जो बड़े गुनहे में जो पंच लगते हैं और कानून ये कहता है कि पंच मस्ट बी रिस्पेक्टेबल पर्सन और उस लोकेलिटी के होना चाहिए, इस मैटर में ऐसा दिख रहा है। जो चैनल में भी जो फोटोग्राफ आए पंच उस आरोपी को लेके आ रहा दिख रहा है, इस तरह से जो नेसेसरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी वो नेसेसरी प्रिकॉशन जांच एजेंसी की तरफ से नहीं ली गई, ये नकारा नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इतना निग्लिजेंस क्यों बरताया गया, ये अभी इसके भी जांच हो सकती है। मुझे लगता है कि ये मैटर अभी एक अलग तरह से मोड से चल रहा है और उससे जो मेन मैटर है वो अलग हो जा रहा है। चूंकि अब जांच अधिकारी भी सर सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से गवाह अपने बयान से पलट गए और पूरा मामला पूरी तरीके से बदल गया, आपकी नजर में इस मामले में क्या अधिकारी बदल दिया जाना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग ताकि इस मैटर पर किसी भी तरीके के ऐसे आरोप प्रत्यारोप आगे जारी ना रहे? देखिए ट्रांसपेरेंसी हर मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं कई बार देख रहा हूं कि आजकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो जांच करते समय जिस तरह से इंट्रोगेट करती है और इंट्रोगेट के सभी पॉइंट्स बाहर मीडिया को मिल जाते हैं, मीडिया कहती है हमें सोर्सेस ने बताए, मुझे पता नहीं कि मीडिया के चित्रगुप्त भी इस टाइम इंक्वायरी के मौजूद रहते हैं क्या नहीं। लेकिन यह कैसे होता है कि जांच अधिकारी ने क्या सवाल पूछा, किस तरह से सस्पेक्ट को डांटा, वो बात भी बाहर आ जाती है। हमने देखा है कि सुशांत सिंह के आत्महत्या के बाद कई जांच एजेंसी ने कई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को बुलाया, उनकी छानबीन की, उनको कई सवाल किए, कर सकते, लेकिन जो सवाल वो पूछते थे वो मीडिया में कैसे आते थे? इसका मतलब यह है कि जब इंक्वायरी इंट्रोगेशन होता है तो बाहर लीक हो जाता है, मीडिया को एक खाद्य मिल जाता है और तमाम पब्लिक यह देखती है कि अब क्या होगा। देखिए उस मैटर में जिनको जिनको बुलाया गया क्या वो लॉजिकल एंड तक चले गए? नहीं चले गए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप जांच में सीरियस नहीं है और इसका असर, बुरा असर पूरा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नहीं तो उसका फायदा कल्प्रिट को मिलता है, गुनेगार को मिलता है। मुझे लगता है कि सरकारों ने ये बात इसके लिए बहुत सावधान की, में से जहां इंट्रोगेशन होता है उसकी बाहर बात कैसे लीक होती है ये भी खोजना चाहिए। क्या हमारे देश में, देखिए आज ये आर्यन खान का सब्जेक्ट देखिए, कई 2 तारीख से यही सब्जेक्ट चल रहा है कि यही इतना बड़ा मामला हो गया देश में, हमारे सामने और कोई प्रॉब्लम नहीं है देश के सामने? ऐसे कुछ मसले हैं कि जिस मसले की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं होती है,
लेकिन किसको बुलाया गया, कौन फिल्म एक्ट्रेस आए, फिर उसको किस तरह से डांटा गया कि ये तेरा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये हमारा ऑफिस है, बाहर मीडिया में आता है, लोग देखते हैं, लोग को लगता है कि अरे ये एक्टर है, एक्ट्रेस है, मास्क की वजह से उनके चेहरे नहीं देख पाते। इस प्रकार की जो मीडिया ट्रायल चल रही है आजकल, मुझे लगता है उससे फायदा आरोपी को ही होता है। ये बात जब तक जांच अधिकारी को संबंधित अधिकारी को नहीं समझ में आती है, तब तक ये ऐसा ही चलता रहे। जी उज्जवल निकम साहब, लगातार ये कहा जा रहा था कि आर्यन खान ने जो पोजीशन था उसके पास नहीं मिला है ड्रग्स का, और इसलिए वो निर्दोष है या इनोसेंट है। इस तरह के मामलों में आमतौर पर अगर दो एक समूह में दो तीन चार आरोपी हैं, तो क्या उनके ऊपर इसी तरह से NDPS एक्ट लगता रहा है, और इसी तरह के मामलों में क्या इतनी आसानी से वेल मिल चुकी है पहले कभी? देखिए, जांच एजेंसी ने अब तक चार्जशीट नहीं दर्ज किया है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रीमैच्योर है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। जब आज के वक्त व्हाट्सएप चैट ही एक सबूत है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रमोद महाजन की हत्या में जब मैं वो ट्रायल चला रहा था जी, तब प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन की हत्या के पहले एक टेक्स्ट SMS मैसेज किया था उसके मोबाइल पर, उसके प्रवीण ने उसके मोबाइल से प्रमोद जी को किया था, और थ्रेटनिंग मैसेज था। जब मैंने ये, मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये जब मोबाइल जो जब्त किया था उसमें से मैसेज दिखाया, तो कोर्ट में ने ये दलील की थी कि प्रवीण महाजन ने प्रमोद जी का मर्डर, ये प्रीमेडिएटेड मर्डर है, प्लान करके मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ऐसा कोई हादसा उस दिन नहीं हुआ था कि जिस स्पर ऑफ मोमेंट में प्रवीण गुस्सा आ गया, प्रवीण ने गोली मार दी, ऐसा नहीं हुआ था। प्रवीण के तरफ से कोर्ट में एक एक्सपर्ट को एग्जामिन किया गया, और प्रवीण ने यह बता दिया एक्सपर्ट के माध्यम से कि किसी भी मोबाइल से अगर SMS प्रमोद जी को किया तो वो प्रवीण से ही आ सकता है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैसेज टेम्पर हो सकता है, फैब्रिकेटेड हो सकता है, मैनिपुलेटेड हो सकता है। और इसलिए मेरा यह कहना भी था कि ब्यूरो के लिए व्हाट्सएप चैट एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, पर लेकिन उनको कोरोबरेटिव कंटेम्पररी एविडेंस उन्हें ढूंढना चाहिए, ताकि व्हाट्सएप चैट जी कहां से आया था, क्या फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड थे, ये भी ढूंढना होगा। बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पूरा मामला फंसकर रह गया है। चूंकि मामला डिविएट हो गया, ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है, इससे बचा जाना चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।